नमस्कार, मैं हूं श्रुति सिन्हा। आप सभी का स्वागत है एएनबी न्यूज के बुलेटिन में। राजधानी में सोफिया की नृशंस हत्या करने वाले मुख्य आरोपी मोहम्मद बेलाल को रांची पुलिस ने किया गिरफ्तार। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का दावा, कोविड-19 के खिलाफ जंग में भारत हर मोर्चे पर बेहतर स्थिति में है, लेकिन याद रखे जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। केंद्रीय कैबिनेट ने 43 स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की खरीद को दी मंजूरी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मदुरई पहुंचे, स्थानीय जालीकट्टू कार्यक्रम में लिया हिस्सा। गोड्डा के मेडिकल कॉलेज छात्रा की मौत मामले में 24 सदस्यीय एसआईटी गठित, हजारीबाग से रांची तक खंगाले जा रहे सीसीटीवी। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभी देश एवं झारखंड वासियों को पावन टुसू पर्व और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, 16 जनवरी से 81 सेंटर्स पर लगेगी कोरोना वैक्सीन, हफ्ते में 4 दिन खुले रहेंगे टीका केंद्र। देवघर डीसी ने बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर चंडीगढ़ हिसार फ्लाइट का उद्घाटन किया। बिहार में मकर संक्रांति की धूम, बिहार के उप मुख्यमंत्री तार किशोर सिंह भी मनाए मकर संक्रांति, तो वहीं कांग्रेस नेता अवधेश सिंह के घर भी चूड़ा दही का आयोजन। आगरा युवक ने एसएसपी ऑफिस के सामने आत्मदाह का किया प्रयास, केरोसिन डालकर लगाई आग। महाभियोग प्रस्ताव पर डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी पर पड़ी फूट से डेमोक्रेटिक सदस्य उत्साहित हैं। श्रीनगर में टूटा 30 साल का रिकॉर्ड, 1991 के बाद पहली बार -8.4 डिग्री तापमान। दिल्ली वालों को ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं, आने वाले दिनों में और गिरेगा पारा। मुजफ्फरपुर में थाने में घूस लेने के आरोप में तीसरी बार सस्पेंड हुआ मुंशी। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। हम जल्द हाजिर होंगे नए बुलेटिन के।